ये किसी की छत पे लगा हुआ खाटू श्याम जी का झंडा, और देख लो कैसे फैल रहा है इसका। इतनी सब्जी कहाँ से ले आई? अच्छा रखी मिर्च मेरी तो लिया भाई। तो रुद्र फिर दिन में मुने भी तो चाहिए, एक तो घड़ी 2 महीना में आई है, अब हम सेल ना डलवाओगे फिर क्या फायदा बताओ। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल सुषमा यादव व्लॉग। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है सुबह का लंच, और आज के लंच में बनने वाले हैं आलू के पराठे, क्योंकि आज है देवांश की चॉइस की चीजें बनेंगी, जो देवांश को पसंद है वो सारी चीजें बनेंगी। तो उसको आलू के पराठे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए आज आलू के पराठे बनाए हैं। और गाइस देखिए पराठे कितने फूले फूले बने, आपने देखा भी अभी, बहुत ही मस्त बने। तो मैं अपने लिए भी अभी बना के रख दूंगी साइड में, ताकि फिर बाद में ना किचन गंदा नहीं होगा बार बार। और गाइस रोटियों को और पराठों वगैरह सबको ही मैं सॉफ्ट रखने के लिए ना उनके अंदर थोड़ा घी भर देती हूँ, ताकि बच्चे खाए उस टाइम तक चीजें सॉफ्ट रहे और वो खा पाए। वैसे तो उन्होंने बोला था कि एक एक ही देना मम्मा, बट मैंने वन एंड हाफ दिया। तो अभी पराठे वगैरह सब रेडी हो गए थे, उसके बाद में सब्जी आज हमने बनाई नहीं कुछ भी, क्योंकि पराठे के साथ सब्जी फिर नहीं चलती। और मैंने भी अपनी दही के साथ खा लिए थे, और बच्चे भी दही ले गए थे। और फिर साइड में हमने बनाया इनके लिए फ्रूट लंच में, आज स्पेशल डिमांड थी कि चने खाने हैं, चने ब्लैक वाले चने मैंने भीगने के लिए रख दिए थे रात को ही। और यहाँ पे फिर मैंने उनको बॉईल भी कर लिया, बट गाइज एक गलती हो गई बस, कि मैंने जब बॉईल करा ना तो इनमें नमक नहीं डाला, तो उसके बट फिर भी मेरे को लग रहा था कि अच्छे नहीं बनेंगे, बट हाँ फिर भी उसके बाद में भी बहुत ही मस्त बने। यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है, पैन में मैंने तेल वेल डाल के गर्म करके उसमें डाल दिया था जीरा, और जब जीरा भुन गया हल्का सा ब्राउन हो गया, तो उसके बाद में मैंने डाल दिए चने। तो इनको थोड़ी देर फ्राई कर देंगे, मतलब चला देंगे, और उसके बाद में फिर अपने सिंपल से मसाले डाल देंगे, जैसे हल्दी नमक और हल्की सी मिर्च भी डालेंगे थोड़ा चटपटा बुलाने के लिए, क्योंकि बच्चों को ना पता नहीं क्यों एक तो मखानों में एक इस टाइप की चीज़ों में ना चटपटापन बड़ा पसंद है, कि चटपटी चीज़ें खाने में वैसे इनका मुंह जलता है कुछ अगर सब्जी वगैरह दे दो तो उसमें। तो इसलिए तो गाइस यहाँ पे मैंने चने बनाए, चने इतने टेस्टी बने कि मुझे लग रहा था कि चलो रख लेंगे। तो गाइज यहाँ पे बस ऑलमोस्ट ये बनी गए थे, इनको सारे मसालों को मिक्स करके फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूंगी, तो ताकि भाप से, वैसे तो खैर ये बॉईल पहले ही कर दिए थे मैंने तो इतना इशू नहीं है, बट जो भी मसाला डाले इसमें थोड़ा अब्जॉर्व हो जाएगा, इसलिए इसको कवर करके रख देंगे तो काफी अच्छे बनेंगे। तब तक हम साइड बाय साइड अपना दूसरा काम कर लेते हैं, अपना लंच पैक करने का काम। तो गाइज मैंने बताया था मैंने 1.5 दिया, क्योंकि बहुत बड़ा दिन जाता है सुबह से शाम तक का बच्चों का, फिर सुबह सुबह ही कुछ खा नहीं पाते, क्योंकि एक तो बस भी जल्दी आती है, फिर इनका मन भी नहीं होता बच्चों का, तो इस वजह से इसे मैंने पराठे पैक कर दिए थे। और साइड में फिर डाल देंगे दही, और यहाँ पे चने भी देखो कितने मस्त हो रहे हैं ना। और ये कुछ तो मैंने इनको इनके लिए डाल दिए थे फ्रूट लंच में, फिर शायद एक कटोरी बचा था तो वो मेरे लिए हो गया था, वो मैंने साइड में रख दिया था निकाल के। और अभी इनका लंच वंच पैक करके इनको भेज देते हैं स्कूल में। यहाँ पे गाइज मैंने बच्चों का फ्रूट लंच रख दिया था, और जो सॉरी लंच रख दिया था, और फ्रूट लंच मैं खुला रखूंगी थोड़ी देर, क्योंकि भाप बन जाती है ना फिर इसमें, फिर लंच बच्चों से खुल नहीं पाते इसलिए। वेलकम बैक टू अवर चैनल सुषमा यादव व्लॉग। तो गाइज कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया। और अभी तो टाइम हो रहा है कितना गाइज, 10 बज गए, और आप लोगों को व्लॉग अभी 10 बजे नहीं मिला होगा मुझे पता है, क्योंकि अपलोड ही नहीं हुआ है ना। मैं अभी भी
1 घंटा सारा फोन यहाँ पे रखा था, आधे घंटे में लेके बैठ के आई हूँ, बट पता ही नहीं प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही, मतलब अपलोड ही नहीं हो रहा। 3% तक होता है फिर कैंसिल आउट हो जाता है, क्या दिक्कत है पता नहीं। फिर से मैंने ट्राई किया, फिर आधे घंटे में बैठ के भी आई, फिर भी 10% तक गया, फिर हो गया। तो मैं तो हार के आई गई, जब जाएगा तब देखेंगे, तब का तब चला जाएगा। बाकी शॉर्ट्स मैंने डाल दिया, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, नेहरा और भाभी वाला। और गाइज आज का मैं मौसम दिखाती हूँ बाहर का। नहा धोली मैं तैयार हो गई हूँ, नहा धोली, दुपट्टा वैसे ही उड़ा था, थोड़ा कॉटन गया ना तो गर्मी की वजह से। और बाहर का मौसम इतना मस्त है, इतना मस्त है कि क्या ही बताऊँ। ऐसा मन करता है कि बस बाहर ही बैठे रहो, सब कुछ बंद बंद करके। और बारिश आएगी आज पक्का, और दिखाती हूँ बाहर का मौसम कितना जबरदस्त है। देख लो सारे झंडे वंडे कैसे लहरा रहे हैं, तो इससे तो आइडिया मिल ही गया होगा कि हाँ भाई ये किसी की छत पे लगा हुआ खाटू श्याम जी का झंडा। और देख लो कैसे फैल रहा है, इसका मतलब कि हवा बहुत तेज है ना। और अभी बाहर का दिखाती हूँ, वेट। हाँ, बादल उधर से साइड से बहुत तेज काला बादल आ रहा है। ये देखो, ये देखो, सारे पक्षी वक्षी सब बाहर आ गए। इतनी सब्जी कहाँ दली आई? अच्छा, 3 घंट तो लिया ही है। तो चलो गाइस देख के आते कितनी सब्जी लेके आए मम्मी, किसको लूट लाई। सही है वैसे, और सब्जी तो कितनी महंगी हो रही है ना। कल मेरे को जीजे ने बताया कि बहुत महंगी सब्जी हो रही है, क्योंकि हम तो जैसे लेते नहीं है ना, मम्मी ले देती है तो, या फिर मतलब मंगवा लेते हैं फिर वहां से होटल से, तो इतना आइडिया नहीं है मुझे तो, खैर। बट हाँ बहुत महंगी हो रही है सब्जी बता रहे, तो वहां जाके देखेंगे मम्मी किसको लूट के लाए किस रेट में। ठीक है पानी पी लूं मैं पहले एक बार। बैंगन देसी टमाटर। तो आज कैसे एकदम ते, आज कैसे एकदम ते इतना मन कर गो इतनी सारी, एकदम ते कैसे मन करोगे कितनी सारी। अच्छा कितना कौन हो तो रखी मिर्च मेरी तो, मैं तो कहीं फ्री में लूट ली। हाँ और भगवान ना बताओ आपको फ्री में कौन देता है, सब्जी वाली बात कोई खाए बिना दे ना दे ला दे फ्री में खाए कोई ना। सारी चीज़ तो पैसा तो सब किम थोड़ी हुआ है, थोड़ा बहुत धर्म भी कमाना चाहिए। बारिश आ गई, देखो मैं बोल रही थी ना मौसम बढ़िया, बारिश आएगी आएगी। हेलो एवरीवन, तो गाइज अभी मैंने शाम के टाइम धोए अपने बाल, मतलब कि मैंने धो लिए थे 3 बजे ही, फिर बच्चे बच्चों का काम वाम करवा के उसके बाद में, और अब करूंगी मैं ऑयलिंग। ठीक है तो अभी बस कर लेती हूँ और फिर चलेंगे थोड़ी देर मम्मी नीचे, आज मम्मी कहीं पे गई थी वो बताऊंगी कहाँ पे गई थी, और थोड़ी देर गप्पे शप्पे मार के आएंगे। ठीक है फिर मम्मी घूमने चली जाएगी, मैं अपना कुछ एक्स्ट्रा, और देखो एक्स्ट्रा क्या ये काम करना है, दिख रहा है आज एसी की सर्विस हुई थी, आए थे भैया करने ठीक इसको, तो ये गंदा कर गया, अब इसको मैं साफ करूंगी थोड़ी देर में। ठीक है तो मैं ऑयलिंग कर लूँ। तो गाइस टाइम अभी, ओए हाँ रुद्रो घड़ी के सैर लेके आना बेटा, देखा आज भी, आज गाइस कितने बज रहे थे, आज मैंने इनको बेचारे को आधा घंटा पहले उठा दिया, और फिर इनको फटाफट तैयार करके,
और 15 मिनट तो तुम लोगों ने वेट किया वहां पे नीचे जाके मैजिक पास है ना, तो और इनको बहुत जल्दी वहां पे भेज दिया नीचे तैयार करके, क्योंकि देखो घड़ी रुकी हुई है, पता नहीं क्या ही चक्कर है, तो मतलब नया सेल डालना पड़ेगा इसमें। और जो पहले का जो डला हुआ था ना, वो जैसे दुकान में भी वही यूज हो रहा था जैसे, क्योंकि चलती हुई घड़ी आई थी इसलिए, तो फिर वो खत्म हो गया होगा इसकी बैटरी, तो इसलिए अब हम दूसरा सेल मंगवाएंगे। तो बताओ अगर सुबह कल फिर से जल्दी उठना है तो बता दो, वरना फिर लेके आ जाओ। चलो वो लिया करगा, दिन में भी थार दो कती टाइम ना लगे प्लीज बेटा। लिया भाई तो रुद्र फिर दिन में मुने भी तो चाहिए, एक तो घड़ी 2 महीना में आई है, अब हम सेल ना डलवाओगे फिर क्या फायदा बताओ। तो तभी तो तेरे पापा, आप तो डाल देंगे फिर, पापा दोपहर को आएंगे फिर रात ही सो जाएंगे फिर, और क्या फायदा फिर, कौन डालेगा। तू ला रहा नहीं ला रहा है, मैं जाऊं फिर। हाँ देख मैं क्यों जाऊंगी, जा जल्दी, मेरे बेटा है ना, चल। क्योंकि आप बड़े बच्चे हो इसलिए जल्दी जाओ वहां के। आप ही तो कहते हो कि नहीं तू मत निकल बाहर, तुझे ना खाला जाना है। गाइस इसने रुद्र उस दिन रात की बात बताइयो इसकी, ये गाइस रात को सब सो गए थे, मतलब हम सब हाँ हम ऐसे ही बात कर रहे थे। और इसको लग गई प्यास। ये पानी लेने गया, मेरी ऐसी छोड़ गई, इसको लगा वाइट वाइट ला रहा मुझे। हाँ मैं बताऊँ गाइस, हाँ देखो बेड से आप देख लो फ्रिज कितनी दूरी पे है ना, वहां से तो ये बोला कि भैया लेके आएंगे, हमने मना कर दिया, इसके पापा ने भी बोला कि कोई नहीं लेके आएगा, देवांश लेके आएगा, और देवांश ऐसा आया वहां से आया चल के, थोड़ा जल्दबाजी में बेचारा डरता डरता ऐसे फ्रिज खोला और जो सामने बोतल थी ना वही उठा के ले गया। फिर जब अंदर की लाइट में जाके इसने देखा ना, हॉल में अंधेरा था, जाके देखा तो वो निकली सॉस की बोतल। फिर ये खूब रोया कि मेरे को प्यास लग रही है। फिर रुद्रा लेके आया पानी और फिर रोने लग गया, आप लोग हंसते हो हमारे ऊपर। गजी इतना डरपोक है ना, इतना डरपोक है कि बस मेरे पे ही गए ना इसलिए, है ना, कितना डरपोक। पानी भी नहीं पी सकता तू, क्या करेगा तू, क्या गुंडा बनेगा रे। लग जाते अपने काम पे फिनिश करके फिर मिलते आपसे, लग जाते अपने काम पे फिनिश करके फिर मिलते आपसे।